एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पोको M4 5G की अनबॉक्सिंग और साथ में इसके फीचर्स बताएंगे, इसके लुक्स कैसे हैं और फ़ोन आपको दिखाएंगे। ये हमने जो वीडियो है इसको दो पार्ट में बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ़ोन की और स्पेसिफिकेशंस दिखाएंगे और फर्स्ट अभी यहाँ पे सिर्फ ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहिए, बहुत कमाल की है। उसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आपको ऐसी वीडियोज़ अनबॉक्सिंग देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसे हम अनबॉक्स कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है दोस्तों इंडिया का सबसे सस्ता 5G फ़ोन है, क्योंकि मैंने इसे सेल में अंडर 10,000 में मंगाया है। जी हाँ दोस्तों, अंडर 10,000 में एक 5G फ़ोन मंगाया है, वो भी पोको का, जिसका प्रोसेसर है डायमेंसिटी 700। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन प्रोसेसर है, गेमिंग फ़ोन है, ये हमने जो है मंगाया है अंडर 10,000 में। तो ये दोस्तों उसका यहाँ पे ऊपर बुकलेट है, जिसके अंदर मैनुअल और एक इसका जो बैक केस है वो हमें मिलता है। तो ये तो नॉर्मल है, इसको हम साइड में रख देते हैं। पोको की ब्रांडिंग के साथ हम इसे साइड में रख देते हैं और हम निकाल लेते हैं हमारा यहाँ पे फ़ोन। तो फ़ोन दोस्तों मैं बाहर निकाल लेता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो मैं कह रहा था कि 5G चीपेस्ट 5G फ़ोन है ये, और फीचर्स सारे कंप्लीट आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। फ़ोन अगर वेट की बात करूँ तो अभी तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, ज़्यादा हैवी वेट लग नहीं रहा है। मैं इसे देख लेता हूँ और क्या है बॉक्स में, वो मैं पहले देख लेता हूँ, फिर हम फ़ोन पर आएंगे, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो यहाँ हमें दोस्तों एक चार्जर मिलता है, 22.5 वॉट का एक फास्ट चार्जर मिलता है, जो मुझे देखने में तो हैवी लग रहा है, मतलब अगर गिरेगा तो टूटेगा नहीं ईजिली, क्योंकि बहुत सारे आजकल ऐसे चार्जर आते हैं जो गिरते ही एक बार में टूट जाते हैं, फिर वो कोई वर्थ के नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे केबल है वो भी ओके है, क्योंकि ना ज़्यादा लॉन्ग है ना शॉर्ट है, नॉर्मल केबल है तो ओके है, इस बजट रेंज में बहुत ही अच्छा है। साथ में अगर दोस्तों अब फ़ोन की बात करें तो फ़ोन को हम खोल लेते हैं, फ़ोन के लुक्स देख लेते हैं, फ़ोन की वेट देख लेते हैं, कैमरा क्या है, लुक्स क्या है, सब कंप्लीट देख लेते हैं। दोस्तों देखने में बहुत कमाल का लग रहा है, आपको भी दिख रहा होगा ग्लॉसी पन जो है वो इसके बैक में आ रहा है। फाइबर पे ग्लॉसी आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके हल्का सा ग्लॉसी है। ऊपर जो कैमरा वाला पोर्शन है वहाँ पर ग्लास है, आप देख सकते हैं ऊपर की साइड जो है वहाँ ग्लास है और बाकी फाइबर है। फ्रंट में इसका नॉच कैमरा है, नॉच डिस्प्ले है। डिस्प्ले की बात करूँ तो 90Hz का इसमें रिफ्रेश रेट है, तो स्मूथ चलने वाला है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, अगर देखा जाए वो भी अच्छा चलता है। ऊपर देखें दोस्तों ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर साइड माउंटेड और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ये ग्लास है और दो कैमरे हैं। ऊपर देखें तो हेडफोन जैक है, नीचे जो है दोस्तों हमें टाइप सी केबल का जो चार्जर है वो तो मिलता है, ये साथ में स्टूडियो स्पीकर भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें फ़ोन के कैमरे की, तो यहाँ पे दोस्तों 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यूज़ करके बताने वाले हैं। और अगर बैक है तो ये फाइबर है, ऊपर ग्लास है। तो दोस्तों सेकंड पार्ट का वेट कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होने वाली हैं, सारी चीज़ें बताएँगे, कैमरा कैसे वर्क कर रहा है, फ़ोन का वेट करके आपको लाइव बताएँगे। फ़ोन के लुक्स तो आपने देख लिए होंगे और ये फ़ोन अंडर 10,000 है, तो कैसे परचेस करना है वो भी बताएँगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का फर्स्ट पार्ट यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।